आपका परमेश्वर जीनी नहीं, वो खुदा है, और वो गंदी आदतें आपको नहीं देना चाहता कि आप सिर्फ विश करें और आपको सब कुछ मिलता जाए और आप बेड पे बैठ जाएं, आलसी हो जाएं। वो कहता मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता एक व्यक्ति कहता लगातार शर्म छोड़कर जब मांगता है अपने पड़ोसी से रोटियों को तो वो देता है उसे, क्योंकि वो शर्म छोड़कर मांग रहे हैं, लज्जा छोड़कर मांग रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती और बोलती है मेरा न्याय एक काम कर दे, मेरा काम फंसा हुआ है, तो उसे कर सकता है? कहता ना, वो परमेश्वर का डर मानता है, ना किसी बंदे की परवाह करता है, लेकिन बार बार विधवा उसे जाके तंग करती है, इसीलिए वो उसका काम करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारा केस सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, अगर तुम भी दिन रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो। ये बात होली स्पिरिट ने मुझसे कही थी जब मैं उससे सवाल पूछता था कि मैं बीमार क्यों हूं, मेरे सामने लोग चंगे हो गए, मुझे एक साल हो गया प्रभु में आए, मेरे सामने सब हीलिंग ले रहे हैं, मैं रोगी क्यों। होली स्पिरिट मुझे मेहनत बढ़ाने के लिए, आत्मिक मेहनत बढ़ाने के लिए बोलता था, क्योंकि उसका मकसद बड़ा था मेरी लाइफ। उसने सिर्फ मुझे हीलिंग नहीं देनी थी पर मुझे हीलिंग गिफ्ट भी देने थे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं उस मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है? आप अगर स्लो स्पीड से जाना चाहते हैं तो आधा घंटा प्रार्थना बहुत है, फिर धीरे धीरे आपको शक भी होने लगेगा आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं, प्रभु काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ उतनी, आपकी स्पीड उतनी, आपकी ब्लेसिंग उसी स्पीड से आएंगी जिस स्पीड से आपकी प्रार्थना है। आप नहीं जानते, अगर आज परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे और आप देख सकें कि इस प्रार्थना के लेवल तक अगर मैं इतनी प्रार्थना करूं क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में आएंगी, आप माथे पे हाथ मारेंगे और बोलेंगे मैंने ये प्रार्थना पहले शुरू क्यों नहीं की। सो मच, बहुत ज्यादा परमेश्वर देता है जब एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाता है। आपकी इमेजिनेशन से वो चीजें बाहर हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, आप उनको खुद मैनेज नहीं कर सकते, आप खुद ऐसा नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी बलवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर अपना पार्ट करेगा, वो अपना अपना हिस्सा प्ले करेगा आपकी लाइफ में, और आप हैरान हो जाएंगे जो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, जो ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे, जो नया लेवल आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आज जितने जन इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, मेरा परमेश्वर सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे, वो सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब मैं कल रात को अपनी प्रार्थना के रूम में जा रहा था तो मेरी बेटी भाग के पीछे आती फाइनल दरवाजे के पास, कहती क्या रोज रोज प्रार्थना करने चले जाते हो रात को? आज हम जहां हैं और आप जहां हैं वो प्रेयर लाइफ की वजह से, प्रेयर्स की वजह से। आमीन। अगर वो कमजोर हैं, आपकी फुल लाइफ कमजोर है। अगर आपकी प्रेयर्स फायर फील्ड हैं, फुल हैं आपकी प्रेयर्स, आप ब्लेस ब्लेस से भी ज्यादा हुआ, सक्सेस से भी ज्यादा हुआ। उसने कहा मोर देन ए कॉन्करर, मोर कि जयवंश से भी बढ़ के हो तुम। अगर परमेश्वर आज आपकी आंखें खोल दे कि अगर बेटा देख, अगर तू 4 घंटे रोज प्रार्थना करे, 3 घंटे करे, तो देख तेरी लाइफ में आगे क्या है। अगर वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे, आप हैरान हो जाएंगे जो आगे होगा। आप बोलेंगे क्या मैं इसको डिजर्व करता हूं, क्या मैं इसके काबिल हूं? लेकिन परमेश्वर वो सब चीजों को लाइन में रखता है। अब एक चीज जो वहां लास्ट कोने में है, अब मैं अगर चलूंगा इस स्पीड से वो 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो वो उतनी जल्दी मिले, लेकिन अगर भागूंगा तो वो उतनी जल्दी मिले। कितने मेरी बात को समझ रहे? अभी आपकी मर्जी, आपकी प्रेयर लाइफ आधा घंटा 1 घंटा, वो आपको खिलाएगा पिलाएगा, जरूरतें पूरी करेगा, हील करेगा, आपको लगेगा बस हो गया। ऐसे क्रिश्चियन मैंने देखे जिनके घरों में मिरेकल्स हुए, हार्ट के शेद तक परमेश्वर ने बंद किए। जब भी उनको पूछा प्रार्थना कितनी, कहते हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्रार्थना करने, हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी मैं मांगता हूं प्रभु मुझे देते हैं।
क्योंकि वो आपको खाना पाना और आपको जरूरतें थोड़ी वो आपकी बंद कर देगा, पर एक ग्रेटनेस है जिसके लिए आप बुलाए गए, वो मिस होगी 100%। और यही वो प्राइस है, यही वो मूल्य है जो आप परमेश्वर के सामने रोज देते हैं। और जब आप ये मूल्य अदा करते हैं, ये आपकी लाइफ में नजर आता है। वो आप अपने दूतों को भेजता है आपके रास्तों को साफ करने के लिए, आपकी इच्छाओं तक को वो समझता है, आपकी फीलिंग्स तक को वो समझता है, वो आपको गार्ड करता है, वो आपको संभाल के रखता है, वो आपकी रक्षा करता है आपके विचारों तक की। उसने कहा जब वो थका और मांदा हुआ होगा उसे तब पकड़ेंगे और उसे मारेंगे। जब स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी शैतान तब अटैक करने के बारे में सोचता है, और उसे मालूम है स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी व्यभिचार से, चोरी से, नॉन बिब्लिकल चीजों से, और जब कमजोर होगी वो अटैक करने आएगा। और अगर आप आत्मा में सरगर्म रहे और इच्छा ना होते भी आपने अपना वो टाइम परमेश्वर को दिया, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके आत्मिक मसल्स कमाल के होंगे। उसने कहा अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे, यानी जो कटनी तुम्हारे लिए कटनी है वो तुम पे निर्भर करती है, परमेश्वर पे नहीं। क्योंकि जब उसने तुमको बनाया तुम्हारी मंजिल साथ में बनाई, तुम कहां तक जाओगे उसने साथ में बनाया, अब उसे लेना कैसे है ये तुम पे। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं ढीला ना हूं, मैं वो सब टाइम पर लू जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। मांगो अपने हाथों को उठा के, मैं वो सब समय पे ले सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। आज क्या आप यीशु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं जिस तरह नूह ने एग्जैक्ट वैसा किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए बोला, और वो चमत्कार के बिना वापस नहीं आया, गवाही के बिना वापस नहीं आया? आप गवाही के बिना वापस नहीं आएंगे जब आप यीशु की आवाज को ध्यान से सुन लेंगे और आप फैसला कर लेंगे परमेश्वर की आवाज पे चलने का। आप अपनी ऑफरिंग चर्च में नहीं देंगे, आज आप जाएंगे गरीबों के पास और आज की सारी ऑफरिंग आप गरीबों को देंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की, आज आप जब चर्च से निकलेंगे अपने मोहल्ले में जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, और आज जो आपने आपने परमेश्वर के सामने रखना था, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आज जाओ उन लोगों के पास जिनके पास नहीं है। जब यूहन्ना ने सुसमाचार को आरंभ किया उसने कहा जाओ जिसके पास दो कुर्ते हैं एक उनको दे के आओ जिसके पास नहीं है, जिसके पास दो वक्त का खाना है एक वक्त का उनको दे आओ जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, आज आप इस वचन को पूरा करेंगे और अपने पड़ोसियों के पास जाएंगे। आपका पड़ोसी आपके साथ नहीं रहता, आपका पड़ोसी वो है जो जरूरतमंद है, आपका पड़ोसी वो है जो तंगी में है। जब आप आज रास्ते में जाएंगे हो सकता है परमेश्वर का आत्मा जो भिखारी आपके सामने बैठा है उसको खाना देने के लिए बोले, या जो ऑफरिंग आपने सोच के रखी थी आज आप उसको कपड़े लेके दो, उसको खाना लेके दो, उसको राशन लेके दो, कुछ भी आज करो लेकिन उस ऑफरिंग को घर में लेके नहीं जाना, कल नहीं करना, आपने आज करना है। उस पैसे को चाहे वो 10 रुपए है चाहे वो 1 लाख है, आज आपने दूसरों पर खर्च के उसे घर वापिस जाना है, हालेलुया। जब जैसे ही आप उसे आज स्पेंड करेंगे, जैसे ही आप उसे आज स्पेंड करेंगे एक अजीब प्रेम आपके ऊपर छा जाएगा। मैं जानता हूं कि बाइबल में जब आप मलाकी 3 उसकी 18 उस 10 आयत में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि सारे दशवांश भंडार में लेके आओ, यानी परमेश्वर के भवन में लेके आओ, ताकि परमेश्वर के काम करने में कोई भी रुकावट ना हो, ताकि तुम गरीब ना रहो, ताकि जब तुम बोओगे तो तुम काटोगे, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई श्राप ना रहे। बाइबल में लिखा अपने कमाई के सब 10वें हिस्से को परमेश्वर के भवन में लेके जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में कोई बंधन ना रहे।
मैं जानता हूं बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन आज परमेश्वर ने यह खास मुझे करने के लिए बोला है कि आज का जितना दशांश है, आज का जितना ऑफरिंग है, आप गरीबों में बांटेंगे, उन लोगों में बांटेंगे जिनके पास नहीं है। आप जब उनके पास जाएंगे केवल इतना ही बोलना, यीशु मसीह ने हमें आपके पास भेजा है। दैट्स इट।